नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये व्यू कंपनी का टीवी है, ये 43 इंच का टीवी है 4K, और इसमें फॉल्ट मैं बता देता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। जब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टैंड बाई से रिलीज होके फिर से स्टैंड बाई में चला जाता है। तो मैं इसमें सप्लाई दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारा किस कंपनी का है और ये हमारा किस प्रकार से फॉल्ट है, और मैं इस फॉल्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रेड कलर का LED जल चुका है, और मैं इसे स्टैंड बाई से हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा टीवी स्टार्ट नहीं होता है और फिर से स्टैंड बाई में ये चला जाता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ भी पिक्चर नहीं आया है। तो ये फॉल्ट हमारा, मैं इसे बताता हूँ कि ये फॉल्ट हमारा किस प्रकार से ये दूर होगा। ये हमारा मदरबोर्ड से ये खराबी नहीं है, ये खराबी हमारा बैकलाइट से ख़राबी इसमें आया है, और बैकलाइट हमारा ये ख़राब हो चुका है। अगर मैं बैकलाइट दूसरा इसमें लगा दूंगा तो हमारा टीवी ओके हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से हमारा फॉल्ट दूर होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं टीवी को ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पर हमारा इस प्रकार से एक पावर सप्लाई है और एक मदरबोर्ड है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमको बैकलाइट निकालना होगा और चेक करना होगा कि हमारा कौन सा बैकलाइट ख़राब है। अगर एक भी बैकलाइट ख़राब होगा तो मैं पूरा इसमें चेंज करूँगा, क्योंकि टीवी का 3 साल हो चुका है और सारा लाइट कमज़ोर हो चुका है, इसलिए मैं एक स्ट्रिप नहीं बदलूंगा इसमें। इसमें टोटल स्ट्रिप मैं बदलूंगा और मैं इसे चेक करके आपको दिखाऊंगा भी कि कौन सा मेरा स्ट्रिप ख़राब है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर का फ्रेम निकाल लिया हूँ बहुत ही हिफाजत से, और हमारा शीशा आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से है, और मैं इसे हटाऊंगा तो ही हमारा LED अंदर से दिखेगा। तो मैं इसे हटा लेता हूं। दोस्तों, मैं ऊपर का स्क्रीन हटा लिया हूं और आपको दिखाता हूं हमारा LED स्ट्रिप कहां पे लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही ये पेपर वाइट वाला मैं उठाऊंगा, इसके नीचे हमारा ये LED स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। तो आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से लगा हुआ है, और ये हमारा 4K है। ये 4K के नाम से हमारा LED स्ट्रिप आता है। तो दोस्तों, मैं इसे हटा लेता हूँ पेपर, तब मैं ये LED चेक करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें मैं एक स्ट्रिप बदला हूँ, क्योंकि स्ट्रिप हमारा गलत आ चुका है, और टीवी हम ओपन करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि खतरा रहता है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारा किस प्रकार से ये स्ट्रिप गलत मिला है। ये दुकानदार हमको गलत स्ट्रिप दे दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप जब हम बराबर में रखते हैं तो हमारा LED थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर ये हमारा ओरिजिनल है। आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल वाला है, और ये हम बाज़ार से जो ख़रीद के लाए हैं वो हमारा इस तरह का स्ट्रिप मिला है। और इसमें कमी हमको मिला कि ये हमारा बिल्कुल वाइट जलता है, और ये हमारा ब्लू कलर का जलता है, तो ये हमारा पिक्चर भी सही नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों, ये मैं एक स्ट्रिप बदल के
मैं सिर्फ टीवी को ऑन कर दिया हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक बराबर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमको ये स्ट्रिप आगे भाग रहा है। तो देखिए हमारा ये स्ट्रिप तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रिप अगर लगाते हैं तो हमारा पूरा पेपर अंदर का जो है काटना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इतना ही पे मैं एक स्ट्रिप बदल के चालू कर लिया हूँ, क्योंकि ये हमारा खुद का टीवी है और खुद का टीवी है तो हम कभी भी इसको फिर से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का रहता है तो हम एक दो दिन रोक लेते हैं, क्योंकि ये दुकानदार के पास नहीं था। तो दोस्तों मैं इसे चालू करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा किस प्रकार से ये हमारा ग्लो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे दिया हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रिप यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं स्टैंड बाई को यहाँ से बटन दबा के रिलीज करता हूँ, और ये ब्लिंक करके आप देख सकते हैं ये हमारा किस प्रकार से ये हमारा साइड साइड से हमारा वाइट जल रहा है और बीच में हमारा ब्लू जल रहा है। तो इसी कारण से ये हमको पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यू कंपनी का जो 4K टीवी है उसमें अगर बैकलाइट जल के अगर फिर से स्टैंड बाई में चला जाता है तो आप समझ जाइएगा कि उसका बैकलाइट ख़राब है। ये स्टैंड बाई का लाइट जो है ये ब्लिंक करके फिर से स्टैंड बाई में चला जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा बैकलाइट ख़राब है। और बैकलाइट आप सीधे बदलिएगा तो ये फिर से स्टैंड बाई में नहीं जाएगा और टीवी आपका चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ऊपर का जो डिस्प्ले है वो मैं ऊपर लगा चुका हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा ये फ्रेम में स्टैंड बाई का ये LED जल रहा है। तो मैं इसे स्टैंड बाई के लिए ये बटन दबाता हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारा व्यू चालू हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा नो सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये टीवी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।